हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो खाता पेन लेके बैठ जाओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस टरबाइन की क्लासिफिकेशन और उस क्लासिफिकेशन की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन जानना है। ठीक है, तो हमने पहले लेक्चर पे, ये आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम पहले लेक्चर पे हम जाने थे गैस टरबाइन होता क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसकी यूजेस क्या है, कहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और हमने इंटरनल कॉम्बसन इंजन के साथ में गैस टरबाइन की इंटरनल कॉम्बसन टरबाइन की कंपैरिजन किया था। ठीक है, उन दोनों के कंपैरिजन को हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, उस हमने बोला था जैसे कि फर्स्ट लेक्चर पे कि स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन के अंदर में बेसिक कंपैरिजन को हम डिस्कस करेंगे। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन पे पानी की ज़रूरत होती है, उस पानी को हीट सप्लाई करके स्टीम प्रोड्यूस करके उस स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम पे कन्वर्ट करके उस सुपर हीटेड स्टीम को टरबाइन के अंदर देके रोटेशन करवा के वहाँ से पावर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन गैस टरबाइन पे एयर को कंप्रेस्ड करके उसे हीट सप्लाई करके हॉट गैस पे कन्वर्ट किया जाता है। देन उस हॉट गैस को टरबाइन के अंदर रोटेशन करवा के पावर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। इससे हमें पता चलता है कि गैस टरबाइन के लिए ज़्यादा स्पेस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयर कंप्रेसर, एयर कंबसन चैम्बर और टरबाइन की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टीम टरबाइन पे वहाँ पे बॉयलर की ज़रूरत होती है, इकोनोमाइज़र की ज़रूरत होती है, कंडेंसर की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा स्पेस का ज़रूरत होती है। जैसे ही बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है तो उस वहाँ पर ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन गैस टरबाइन उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। गैस टरबाइन की इनिशियल और रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, और इसकी रनिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। स्टीम टरबाइन की लुब्रिकेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होती है और गैस टरबाइन की नहीं होती है। ओके, स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल मुश्किल होती है होता है लेकिन गैस टरबाइन का उतना ज़्यादा नहीं होता। गैस टरबाइन ज़्यादा बहुत ईजीली स्टार्ट हो जाता है, स्टीम टरबाइन उतना ईजी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, गैस टरबाइन जो होता है उसकी मिनिमम प्रेशर ज़रूरत है 5 बार और मैक्सिमम है 28 बार। लेकिन स्टीम टरबाइन पे प्रेशर की ज़रूरत होती है 28 के अभाव। ओके, उससे ही बेसिक डिफरेंस है, ये थोड़ा हमें मन में रखना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस टरबाइन की क्लासिफिकेशन। ओके, ये है गैस टरबाइन, ये हुआ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन, क्लोज्ड सर्किल देन सेकेंड हो गया ओपन सर्किल देन ये हो गया सेमी ओपन नहीं सेमी क्लोज्ड सर्किल। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन होता कैसे है? ओके, तो ये हमने ये है कंप्रेसर। ओके, यहाँ से जहाँ से गैस कंप्रेस्ड किया जाता है कंप्रेसर है, देन यहाँ से कंबसन चैम्बर है, यहाँ पर एयर को हीट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ पर टरबाइन है। ओके, यहाँ से आता है कूलर पे जहाँ पर कंडेंसर लगा होता है, ये कूलर है। देन इस गैस यहाँ से यहाँ चला जाता है। ये क्लोज साइकिल क्यों किया जा कहा जा रहा है? यहाँ से एग्जॉस्ट गैस नहीं जाता। ओके,
ये पावर शाफ्ट है, ये जब ये टरबाइन जब रोटेशन करेगी ओके यहाँ से एयर कंप्रेस होता है ठीक है, एयर कंप्रेस्ड हो के इस कंबसन चैम्बर का आता है ठीक है, यहाँ से इस गैस के ऊपर हीट सेपरेट करने के बाद उस गैस उस एयर को हॉट गैस पे कन्वर्ट किया जाता है, देन उस हॉट गैस यहाँ से टरबाइन के अंदर रोटेशन करके इस तरह से रोटेशन करके मतलब टरबाइन को रोटेशन करवा के यहाँ से एग्जॉस्ट होके आ जाता निकल जाता है, एग्जॉस्ट होके निकल जाता है, देन इस एग्जॉस्ट हॉट गैस यहाँ पे कूलर पे कूल होता है, देन यहाँ से कूल होने के बाद यहाँ से फिर से अपनी पोजीशन पे मतलब जैसे नॉर्मल एयर था उस तरह से यहाँ से आके फिर से कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस्ड होके इस साइकिल चलता है, तो इसे इसलिए क्लोज साइकिल किया जाता है कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गैस एग्जस्ट होके फिर से कंप्रेसर पे वापस आता है ठीक है, रिटर्न हो जाता है, तो इसलिए इसे क्लोज साइकिल कहा जाता है। तो पहले हम ले लेते हैं ए पी वी डायग्राम है, ए पी वी जीरो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ए वन टू थ्री फोर ये पी वी डायग्राम है, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं ठीक है। पी वी डायग्राम को पी वी डायग्राम जो है ए वन है ठीक है, ठीक है यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड होता है ओके, यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड होता है इस एयर यहाँ से वन, यहाँ से एयर कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर कंबसन चैम्बर पे जाता है ठीक है, कंबसन चैम्बर पे जाता है, हमने ए वन से टू यहाँ पर टू आ गए ठीक है, यहाँ पर जो ये जो कंप्रेस्ड एयर को जो कंप्रेस किया गया है इसकी प्रेशर एक है ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक आ गए इसकी प्रेशर यहाँ पर तक भी ठीक है, वहाँ से जब टू तक आ गए कंप्रेस्ड एयर हीटर पे जब हीट किया गया, यहाँ पर टेम्परेचर इसकी वन थी ठीक है, यहाँ पर टी वन थी, यहाँ पर इसकी टेम्परेचर टी वन थी, हीटर के अंदर जाने के बाद मतलब कंबसन चैम्बर पे जाने के बाद यहाँ से इसकी आ गई हीट टू, लेकिन इसकी प्रेशर जो है कांस्टेंट है, कंप्रेसर पे जो यार कंप्रेस्ड किया गया था वहाँ पर इसकी प्रेशर थी पी टू ओके, प्रेशर वैसे ही है लेकिन उसकी टेम्परेचर यहाँ पर टी वन थी, कॉम्बसन चैम्बर के अंदर हीट एब्जॉर्व करने के बाद वहाँ की उसकी टेम्परेचर हो गई टी टू ठीक है, टी टू हो गई ठीक है, देन टू से थ्री प्रोसेस टू एंड थ्री रिप्रेजेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर इन द टरबाइन अंटिल द प्रेशर ड्रॉप इन पी टू इनिशियल प्रेशर पी वन एंड टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम टी टू से टी थ्री, यहाँ से इसकी टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर यहाँ पर टी वन थी या टी टू थी ठीक है, यहाँ से जब हॉट गैस टरबाइन पे आती है ठीक है, उस टरबाइन की टेम्परेचर फॉल कर जाती है ठीक है, इस टेम्परेचर की इस हॉट गैस की टेम्परेचर फॉल करके यहाँ पर टी थ्री होता है ठीक है, यहाँ पे टी वन टेम्परेचर था लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट था, देन ये टी टू है, टी टू टेम्परेचर यहाँ पे कंबसन चैम्बर पर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर गई, देन वहाँ पे उसकी टेम्परेचर हो गई टी टू, देन उस टी टू टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट जब टरबाइन के अंदर से रोटेशन करवा के जब बाहर एग्जस्ट हुई तो उसकी टेम्परेचर फॉल कर जाती है मतलब डिक्रीज होती है, उस टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद उसकी टेम्परेचर होती है टी थ्री, लेकिन उसके साथ में उसकी प्रेशर जो है प्रेशर भी फॉल कर जाती है तब इसकी प्रेशर आ जाता है पी वन, देन उस टी थ्री एंड पी वन प्रेशर टेम्परेचर लेके उस गैस कूलर पे एंटर करता है या कूलर जो है थ्री या फोर ठीक है, थ्री और फोर प्रोसेस पे क्या होता है, टेम्परेचर थ्री जब टेम्परेचर फॉल कर गया और प्रेशर वन वो भी फॉल कर गया तो इसे आइसेंट्रोपिक ठीक है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस घट गया ठीक है, जहाँ पर हीट की कोई ट्रांसफर नहीं हुई सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर फॉल कर गया ठीक है, उस हीट की
उस हीट ट्रांसफ़र होगा कूलर पे आके, उसकी हीट यहाँ पर कंबसन एम्बर चैम्बर पर जितनी हीट था ठीक है, उस हीट जब टरबाइन उस हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उस हॉट गैस जिसकी टेम्परेचर टी टू थी और उसकी प्रेशर थी P2, देन टरबाइन के अंदर रोटेशन करने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई और फॉल करके आ गई T3, देन उसकी प्रेशर भी फॉल कर गई, उसकी प्रेशर हो गई P1 ठीक है। उस T3 और P1 गैस जब कूलर पे जब एंटर कर गए वहाँ पर उसकी प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर फिर से फॉल कर गया। ओके, उसकी टेम्परेचर यहाँ पर जितना था टरबाइन से एग्जॉस्ट होने के बाद उस गैस की जो टेम्परेचर थी, उस टेम्परेचर कूलर मतलब कंडेंसर पे जब एंटर कर गई तो वहाँ पे उसकी टेम्परेचर फिर से फॉल कर गई, वहाँ पर उसकी टेम्परेचर हो गई T4। तो ये है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल ठीक है, ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर फिजिक डायग्राम के कैसे दिखाए हैं, A1 से 2 हमने जैसे डिस्कस किया, 1 से 2 प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, देन 2 से 3 प्रेशर फॉल कर गई, वॉल्यूम इंक्रीज कर गए, देन ऐसे प्रेशर फॉल करके P2 पे कन्वर्ट हो गया ठीक है, P2 हो गया और इसकी वॉल्यूम स्लाइडली इसकी वॉल्यूम जो है स्लाइडली इंक्रीज हुआ है। देन 3 से 4 यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज कर गई ओके, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो गई लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पर इसकी टेम्परेचर हो गई T4 और यहाँ से 2 से 3 टेम्परेचर फॉल कर गई। देन 4 से 1 प्रेशर इंक्रीज कर गई, 4 से 1 मतलब 1 पे 1 बार पे आ गई, प्रेशर इंक्रीज कर गई, यहाँ से जितना कांस्टेंट था लेकिन यहाँ से प्रेशर इंक्रीज कर गई ठीक है, और इसकी हीट जो है वो कांस्टेंट है फिर, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है वहाँ पर हीट की कोई चेंज नहीं है। जब 3 से 4 पे जब टेम्परेचर जब T3 थी जब वहाँ पर कॉन्डेंसर पे जब एंटर कर गया गैस तो वहाँ से कूल होने के बाद उसकी टेम्परेचर पर कोई चेंजेस नहीं है ठीक है, तो उस टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। देन ए बी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ठीक है, APV डायग्राम है दिया गया, प्रोसेस 1 A1 देन 2 प्रेशर ड्रॉप कर गई T2 पे और टेम्परेचर भी डाउन ड्रॉप कर गई तीन नंबर प्रोसेस। इसकी नेट वर्क डन कितनी होगी, W=2 नेट वर्क डन W=W1 क्या होता है, W1 वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द गैस इन द टरबाइन मतलब गैस के जरिए टरबाइन पे कितना काम हुआ है, ये W1 है ओके, और W2 होता है वर्क डन अपॉन द बाय द कंप्रेसर W2 है वर्क डन अपॉन द एयर बाय द कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर ने वो एयर के ऊपर कितना काम किया, मतलब कंप्रेसर ने एयर को कितना कंप्रेस्ड किया है और उस कंप्रेस्ड एयर के जरिए कंप्रेस्ड एयर जब टरबाइन के अंदर से जब गुजर रही थी तो उस कंप्रेस्ड एयर ने टरबाइन को कितना घुमा दिया मतलब कितना रोटेशन करवाया ठीक है, मतलब कितना वर्क किया टरबाइन के ऊपर, और W1 है और W2 है कंप्रेसर ने एयर के ऊपर कितना वर्क किया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्रेसर ने जो एयर के ऊपर वर्क किया है मतलब कंप्रेसर ने जो एयर को कंप्रेस्ड किया है
तो उसकी वर्क डन कितनी होगी, मतलब कंप्रेसर ने कितना वर्क किया एयर के ऊपर। डब्ल्यू टू इक्वल्स टू एम सी पी इंटू टी वन माइनस टी फोर। समझ में नहीं आया। टी वन जो है यार, जब कंप्रेस्ड हुआ था तो उसकी टेम्परेचर कितनी थी टी वन, और देन जब एयर, जब कंप्रेस्ड एयर जब टरबाइन के अंदर से एग्जॉस्ट होकर जब कंडेंसर पे कूल हो गया तब उसकी टेम्परेचर टी फोर थी। तो टी वन और टी फोर की डिफरेंस को उस गैस की मास और उसके कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू जो है से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कंप्रेसर की वर्क डन मिल जाएगी। ओके, मान लीजिए मान के जी यार कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड हुआ है देन, ठीक है, उस कंप्रेस जब हुआ है उसकी टेम्परेचर जितनी इंक्रीज कर गई, देन उस कंप्रेस यार टरबाइन के अंदर से गुजरने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद टरबाइन से, उस गैस जब कंडेंसर पे आके जब उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई उस टी फोर, पहले इनिशियल जब उसकी टेम्परेचर थी, देन कंडेंसर जब टरबाइन से एग्जॉस्ट होने के बाद कंडेंसर पे जब उसकी टेम्परेचर फॉल करके टी फोर फाइनल टेम्परेचर जब हो गई, तो उस दोनों टेम्पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस को स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट और उसकी एयर की जितनी मास थी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्रेसर की वर्क डन होगी। ये कंप्रेसर की है, देन एयर ने टरबाइन के ऊपर कितना वर्क किया। ओके, तो इसकी इक्वेशन है एम सी पी टू टी टू माइनस टी थ्री। ओके, पहले कंप्रेसर ने जब एयर को कंप्रेस्ड किया तो उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज कर गई, देन उस कंप्रेस्ड एयर जब कंबसन चैम्बर पे जब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर जब टी टू पे इंक्रीज कर गई। ओके, टी टू पे इंक्रीज करके मतलब वो हॉट गैस पे जब कन्वर्ट हो गए, उस हॉट गैस की टी टू की जितनी टेम्परेचर है टरबाइन के अंदर रोटेशन करने के बाद उसकी टेम्परेचर जितनी फॉल कर गई, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर फॉल कर गई, जितनी कंप्रेशन थी करने वाले जब एग्जॉस्ट हो गया तो उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी स्लाइडली कम गई, ठीक है, थोड़ी सी डिक्रीज हुई। तो कंबसन चैम्बर पे टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद टरबाइन की से एग्जॉस्ट होने के बाद जितनी टेम्परेचर की डिफरेंस हुई है, मान जैसा कंबसन चैम्बर के अंदर उसकी टेम्परेचर टी टू थी, मतलब वो इनिशियल थी, टरबाइन के अंदर से बाहर एग्जॉस्ट होने के बाद उसकी टेम्परेचर फाइनल हो गई टी थ्री, उसकी दोनों टेम्परेचर की डिफरेंस को उसकी मास और उसकी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट प्रेशर देके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ही होगी एयर ने टरबाइन के ऊपर उतना ही वर्क कर दिया, ठीक है, कहना चाहता हूँ। तो इसके बाद लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी और इसकी एप्लीकेशन। ओके, इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहिएगा।